जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। हाँ काम की है। जो अभी जिस रास्ते से हम लोग आए हैं। हाँ काम की है। ₹2019 के चुनावी सफर की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से करने जा रही है, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस की सोनिया गांधी यहां से सांसद हैं। आगामी 16 तारीख को यहां पर रेल कोच फैक्ट्री में भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे, जिसको लेकर यहाँ पे तैयारियाँ जोरों पर हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से रेल कोच फैक्ट्री का जो ग्राउंड है लालगंज स्थित है, यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। हेलीपैड बनाने का काम शुरू है और भी अन्य तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से यहाँ तैयारियों में जुटा हुआ है। सूबे के CM योगी आदित्यनाथ 13 तारीख को यहाँ का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। यहाँ पर कल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने दौरा किया, उनके साथ प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री मौजूद थे। अब जिस तरह से यहाँ पर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी रेल कोच फैक्ट्री के साथ साथ रायबरेली को कई करोड़ों की योजनाओं का की सौगात दे सकते हैं, जिसको लेकर भाजपा के यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनमें भी काफ़ी उत्साह है। और यूँ माना जाए कि रायबरेली से ही जो है इस किले को, जो कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है, इसको फतेह करने की जुगत भाजपा कर रही है। अब देखना यह है कि PM मोदी यहाँ पे अपना जादू चला पाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। देवेश वर्मा, उत्तर प्रदेश .org न्यूज़, रायबरेली।